देखिए, पटाखों से जो न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है वरन जो हमारा इकोसिस्टम है उसको जो नुकसान होता है उसको संबंध में लेके मैंने एक जनहित याचिका भी लगाई है। और चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली और एनसीआर में पूरे तरह से पटाखों को बैन कर दिया गया है, और पहले भी 19 सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किए थे कि 85 डेसिबल की ऊपर के आवाज वाले पटाखे ना बेचे जाएं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो पटाखे की जो आवाज की जो तीव्रता है उसको उसके बारे में कोई भी राज्य जो है आज तक कोई भी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। और वैसे भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 24/11/2016 के बाद कोई भी पटाखों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें खुली हुई हैं, पटाखे बिक रहे हैं, और ये जो गंधक और लैड और जो फास्फोरस है वो छत्तीसगढ़ में आ रहा है जो कि बम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो इससे न केवल इकोलॉजी को भी नुकसान है बल्कि हमारे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जबकि ऑलरेडी एक पर्यावरण की जनहित याचिका अमर संगवारी के माध्यम से मैंने माननीय उच्च न्यायालय में लगाई है और लंबित भी है। पटाखों की तीव्रता को कम किया जाना चाहिए और आज तक उसके ऊपर किसी भी राज्य ने इवन छत्तीसगढ़ के बने हुआ 17 साल हो गए इसमें कोई भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया पर्यावरण के ऊपर। विभिन्न जगह पे एक साथ अभी दिवाली मनाई जाएगी तो ये दिशा निर्देश खाली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है माननीय उच्चतम न्यायालय के, ये दिशा निर्देश सभी राज्यों के लिए बराबर रूप से लागू होते हैं। तो अभी चूंकि उच्च न्यायालय में आज से ये दिवाली का अवकाश चालू हो गया है तो शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई भी एक यदि डिवीजन बेंच बैठती है तो उसमें उसकी सुनवाई करवाई जाए और पटाखों को बैन किया जाए। ये दो तरह से बहुत गंभीर है। तो हम तो वैसे भी नक्सली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसके कारण बहुत नुकसान हो चुका है जान माल का, और दूसरा ये जो दूसरे राज्यों से बिना लाइसेंस दिए बिना लाइसेंस रिन्यू किए पटाखों का जो इम्पोर्ट हो रहा है इस राज्य में, ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। आप देखेंगे 24/11/2016 से किसी भी मैंने सूचना के अधिकार में जो जानकारी प्राप्त हुई हमारे उससे जानकारी में यह लिखा है उन्होंने स्पष्ट रूप से आज तक हमने कोई लाइसेंस रिन्यू नहीं किए हैं। लेकिन आप देखेंगे रायपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर पक्की दुकानें हैं और जिसपे कोई भी इस प्रकार के बचाव के साधन उपलब्ध नहीं है और ये बड़े बड़े पटाखों के भंडार भरे हुए हैं। तो ये काफी गंभीर मुद्दा है कि और प्रशासन को मैंने विधिक सूचना भी दी हुई है अभी पिछले ही हफ्ते भेजी है, पर उसके ऊपर भी वो कोई कार्रवाई अभी तक कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है, जबकि ये क्रिमिनल केस है कि इसके ऊपर पटाखों को लाना और अवैध रूप से विक्रय करना अपराध में विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध है, जिसमें एक भी केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ किसी भी विक्रय करने वाले के। देखिए, मैंने तो मांग यही की है कि क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में किसी भी पर्यावरण निर्देशन मंडल के द्वारा या केंद्र में भी ऐसा कोई दिशा निर्देश आज तक नहीं जारी हुए हैं कि कितने तीव्रता के पटाखों का उपयोग किए जाना चाहिए। दिवाली चूंकि दियों का त्योहार है तो उसको सौहार्दपूर्ण रूप से दिवाल मतलब दियों के अनुसार मनाना चाहिए, लेकिन आजकल ये एक इसका विषय हो गया है कि लोग बाग अपनी धनाढ्य होने के नाते ज्यादा पटाने के लिए वो लोग ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण को हमारे स्वास्थ्य को हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को और वातावरण में जो इतनी दूषित हो जाता है जिसको साफ करने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम आज दिनांक तक है ही नहीं और न ही तीव्रता नापने का कोई सिस्टम है, तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर चिंता किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है और उनकी सेहत अगर खराब रहेगी या उनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो आने वाले समय में हमारे लिए बड़ा बड़ा ही भयावह स्थिति है। इसके ऊपर बहुत विशिष्ट रूप से मैंने इसमें पिटीशन में ये कहा है इस पे जो है कुछ दिशा निर्देश ऐसी जारी करे हमारे उच्च न्यायालय की जिससे पर्यावरण का भी नुकसान बचे, स्वास्थ्य के ऊपर भी गंभीर कोई वो न हो और लोगों का जो मनोरंजन का तो भी थोड़ा सा कम हो जाए ताकि वो तीव्रता उसकी घट जाए या उस तरह के पटाखे ना बने।